अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ बिजनेस मैथ। इस वीडियो के अंदर हम एनविटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट इन एनविटीज़ वाला चैप्टर था। पिछली वीडियो में अब तक हमने सिंगल अमाउंट से रिलेटेड डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की एग्जाम्पल की। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू और एनविटी में बेसिकली डिफरेंस क्या है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल। पिछली जो सिंगल अमाउंट का कॉन्सेप्ट था, उसमें आप क्या था कि लेट्स से आप 0 ईयर पे हैं, 1 ईयर पे हैं, 2 ईयर पे हैं, 3 ईयर पे हैं, ठीक है। आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए एज अ सिंगल अमाउंट। वो रकम आपके पास आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, वो रकम आपके पास आफ्टर 3 ईयर कितनी हो गई, वो आप चेक कर रहे होते थे कि ये यहाँ पे कितने हो गए। सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा कि 3 साल के बाद अगर 10% है तो ये 1300 हो सकती है, ठीक है। नहीं सर, 1300 31 हो सकती है। अगर मल्टीपल कंपाउंडिंग होगी तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है 3 साल के बाद, ठीक है। यानी 1300 समथिंग, 45 समथिंग हो सकती है, डिपेंड करेगा कि मल्टीपल कंपाउंडिंग मंथली है या एनुअली है। तो ये तो चीज़ हम कर चुके हैं, बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ सिचुएशन में बात करते हैं। एक सिचुएशन है कि नहीं, मैं एक ही दफ़ा क्यों इन्वेस्ट करूँ 1000 रुपीज़। मैं 1000 रुपीज़ एक दफ़ा इन्वेस्ट करने के बजाय भाई यहाँ पे भी इन्वेस्ट करूँगा 1000 रुपीज़, मैं यहाँ भी इन्वेस्ट करूँगा 1000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 1000 रुपीज़ की अमाउंट रेगुलर नज़र आ रही है, एक रेगुलर अमाउंट नज़र आ रही है। तो ये जो रेगुलर अमाउंट है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? एनविटी। अच्छा, इसमें 2 एनविटीज़ हैं। एक मैंने ऊपर लिखा लेट्स, और दूसरी अगर हम बात करते हैं कि सपोज़ करें, नहीं सर हम स्टार्ट में करने के बजाय किस में कर देते हैं? एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है, एट द एंड ऑफ पीरियड। तो ये 3 साल हैं, तो ये 3 सालों में ये जो अमाउंट आ रही है, ये वाले 1000, ये भी रेगुलर है, ठीक है। और ये जो ऊपर 110,000 नज़र आ रही थी, ये भी रेगुलर है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में जो फ़र्क है, उस फ़र्क को हम यहाँ पर थ्योरी पॉइंट ऑफ से देखते हैं कि एनविटी नॉर्मल रेगुलर पेमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। एनविटी रेगुलर पेमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो रेगुलर पेमेंट तो एनविटी कहलाएगी, जिसकी वर्डिंग क्या है? सीरीज़ ऑफ इक्वल अमाउंट, सीरीज़ ऑफ इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। अब डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 3 साल, 5 साल या इवन 30 साल, सही है, 50 साल भी है तो मेंशन होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम एनविटी कहते हैं। अच्छा, अब एनविटी की 2 टाइप्स हैं। अभी हमने 2 सिचुएशन देखी भाई। पहले में क्या नज़र आ रहा है? इसके अंदर एक एनविटी है, ठीक है, एक एनविटी जो कि 8 स्टार्ट है और 8 एंड ऑफ पीरियड, 8 स्टार्ट ऑफ पीरियड और 8 एंड ऑफ पीरियड। तो स्टार्ट ऑफ पीरियड के लिए वर्डिंग क्या यूज़ कर रहे होते हैं भाई? सॉरी, एट एंड ऑफ पीरियड के लिए वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्डिनरी एनविटी, ठीक है। और एट स्टार्ट वाली बात जो होती है, एट स्टार्ट, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ हो रहा होता है? एनविटी ड्यू, एनविटी ड्यू, सही है। सो यही डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी एनविटी की डेफिनेशन क्या है? सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट एट एंड ऑफ इक्वल इंटरवल, यानी इक्वल इंटरवल इक्वल ही होना चाहिए एट एंड ऑफ, लेकिन डिफाइनेड पीरियड ऑफ टाइम एनविटी के लिए। और ड्यू का मतलब क्या? ड्यू बाद के, ऑर्डिनरी एनविटी में ड्यू बाद में आ रहा होता है। तो सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट एट स्टार्ट ऑफ इक्वल इंटरवल, दोनों में टाइम पीरियड डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, इक्वल इंटरवल से मुराद क्या है? इक्वल इंटरवल की अगर हम बात करते हैं, तो इक्वल इंटरवल से मुराद कि भाई अगर ईयर है तो ईयर, मंथ है तो मंथ, क्वार्टर है तो क्वार्टर, डे है तो डे। ऐसा ना हो कि पहला पीरियड मंथ का हो, दूसरा पीरियड क्वार्टर हो, तीसरा पीरियड डे हो, चौथा वीक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीरियड भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इंटरवल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल, जो भी हो सेम हो, सही है। लेकिन जब एंड पे होगा तो उसको ऑर्डिनरी कहेंगे, और जब स्टार्ट पे होगा तो उसको ड्यू कहेंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जो कि डेफिनेशन के हद तक पेपर में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, इस वीडियो का पर्पज़ ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से चीज़ें, सो या थ्योरी कवर करना इस चैप्टर की। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है परपेचुटी। इसमें भी सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट मिल रही होती है एट एंड ऑफ इक्वल मीटर, लेकिन इसमें पीरियड अनडिफाइन होता है। पीरियड अनडिफाइन का मतलब
लाइफ टाइम वगैरह वाली बात आप कह सकते हो कि ये इन्फिनिटी वाली बात के जीरो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो पीरियड डिफाइन ना। तो एक ऐसी एनविटी पीरियड का डिफरेंस इंटरवल डिस्टेंस दो पॉइंट ऑफ टाइम का वो तो सेम हो, अमाउंट भी सेम हो, यानी 100 रुपये अभी भी मिल रहे हैं, एक 2 साल बाद भी मिल रहे हैं 1,000 रुपये, 3 साल बाद भी 1,000, 4 साल बाद भी 1,000, सही। अच्छा उसको टेक्निकली क्या कहते हैं, परपेचुटी। इसकी एक एग्जाम्पल के लाइफ पेंशंस वगैरह के लिए यूज़ हो रही होती है, कंपनीज के शेयर्स वगैरह के लिए यूज़ हो रही होगी। आप आगे जाके सोल प्रॉपर्टी में आपने कंपनी पढ़ा हुआ है तो कंपनी में अज्यूम किया जा रहा होता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस होगा, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ लाइफ होगी कंपनी की। इंडिविजुअल इंसानी ज़िंदगी देखा जाए तो लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन कंपनीज के अंदर फोर को अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये चलती रहेगी, ठीक है। सो सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ फॉर इंडेफिनिट, यानी पीरियड डिफाइन ना हो तो उसको क्या कहते हैं, परपेचुटी। स्टार्ट में हो तो उसको एनविटी ड्यू, एंड में हो तो ऑर्डिनरी एनविटी, और खाली एनविटी का मतलब सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम फ्यूचर वैल्यू और या सम के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे। थैंक यू।